हेलो दोस्तों, कैसे हैं? शिमला के जायके में मैं आज बनाने जा रही हूँ एक नई रेसिपी। तो मैं अंकुरित दाल की रेसिपी बनाऊंगी जो सब्जियों के साथ मिक्स बनाऊंगी और प्रोटीन से भरपूर होगी। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी रसोई में। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो देखिए बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। ठंड शुरू हो चुकी है तो चलो शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने ये अंकुरित दाल ली है तो इसे मैंने 3-4 दिन भिगो कर रखा था। तो सर्दियां हैं, जल्दी नहीं अंकुरित होती। दालों में मैंने लिए मूंग की दाल, चने और मोठ जिसे मैंने अंकुरित किया है, और आधी गाजर लिए, हरा धनिया लिए, और 3 मैंने बेबी कॉर्न लिए, और आधी शिमला मिर्च लिए, और छोटा सा टुकड़ा मैंने कच्ची हल्दर कर लिया है। तो इन सबको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, और एक छोटा पीस मैंने बंद गोभी का चॉप किया है, और थोड़ा सा बटर लेंगे और एक टमाटर लेंगे। मसाले मैंने जीरा लिया है, हरी मिर्ची ली है स्वाद अनुसार, नमक, एक प्याज जिसे हमने बारीक चॉप किया है, और एक बाउल मैंने अंकुरित दालों का लिया, और सब्जियों को मैंने ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करा है, और मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया जो लंबे स्टाइल में काटा हुआ है। 3 तरह की जो मैंने अंकुरित दालें ली है तो उसमें मैंने मूंग की मात्रा ज़्यादा ली है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, तो मैं इसे बटर में बनाऊंगी। तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें बटर डाल रही हूँ। बटर हमारा पिघल चुका है तो मैं 1 टीस्पून इसमें जीरा डालूंगी। जीरा हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। गैस को हम मीडियम रखेंगे। प्याज डाल देंगे, हम इन सबको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। प्याज को हमें थोड़ा सौते करना है। अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा कच्चे रखेंगे इन्हें। 1 मिनट इसे थोड़ा हिला लेंगे, अच्छी तरह से मसाले में मिल जाए। 1 मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें बेबी कॉर्न डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे मसाले में। बेबी कॉर्न आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, इसे हम थोड़ा पका लेंगे हल्का सा। 20 मिनट में हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। 1 मिनट में इसे ढककर पका लेंगे। अभी कच्ची इसमें मैं पानी डालूंगी ताकि ये हल्की पक जाए। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसमें, साथ ही बंद गोभी भी डाल देंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे, साथ ही शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम सारी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो मैंने सुंदर नमक लिया है। तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ढककर पकाएंगे। गैस को हमने मीडियम रखा है।
इसमें स्प्राउट डाल देंगे। सब्जियों को हमने अधकच्ची रखा है, ज़्यादा नहीं पकाई है, इसे एक मिनट तक हिलाते रहेंगे। हम इसे पकाना नहीं है, इसे ऐसे ही सोते करना है। गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो मेरी स्प्राउट वाली रेसिपी तैयार है। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे, तो मैं इसे स्टील के डोंगे में निकालूंगी। तो हम इसे गरम गरम ही परोसेंगे। ये गरम गरम ही खाने में टेस्टी लगती है, तो काफ़ी अच्छी इससे खुशबू आ रही है। जितना देखने में अच्छी लग रही तो उतना ही खाने में भी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं इस तरह से। ये लाइट भोजन है तो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये रही मेरी प्रोटीन से भरपूर रेसिपी। तो आपको पता ही है, अंकुरित सब्जियां और दालें काफ़ी लाभदायक होती है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।